आगे कोई भी रिक्शे वाले से आप बोलोगे चूड़ी मार्केट तो आपको छोड़ेगा। ये देखिए पूरी चूड़ी मार्केट है। लास्ट टाइम जब आए थे ना तो इधर ही से रोड से हम लोग जाते थे दरगाह शरीफ, तो ये वाली मार्केट हम लोग लास्ट टाइम है, क्योंकि ये 9 बजे पूरी मार्केट बंद हो जाती है, इसलिए अभी हम लोग 7 बज रहा है। देखो 7 बजे कितना उजाला है, देखो कितने की है भैया, 150 की टॉप। आइए कुर्तियाँ कितने की है, 200। आइए प्लाजो, वाओ नाइस प्लाजो, कॉटन की प्लाजो देखो 150 का, 150 रुपए में है। और ये 150, इसको क्या जॉगर्स बोलते हैं, जॉगर्स आपको 150, मतलब पजामा बॉटम आपको 150 है और 200 में आपको ये टॉप और कुर्तीज मिल जाएंगे। और ये मेरा बच्चा गाठिया लेके खड़ा है, ए इनको पकड़ो, डेकोरेशन आइटम भी है भाई। भैया कितने की दे रहे हैं, मैम 8 फीट लंबी है, 120 रुपए का जोड़ा है, 120 रुपए में दो ठो। और ये नीचे सिंगल रोल फ्लावर, ये कितने का भैया, 120 रुपए का, ये 120 रुपए का जोड़ा है, पेयर है। और ये 120 रुपए का जोड़ा है, कोई सा भी कल 120 रुपए का, वो सुबह सुबह तब 220 220 रुपए के हिसाब से हल्का सा क्वेश्चन हैवी है, 220 रुपए का फिटिंग तो बड़ी अच्छी है, ग्रुप अच्छी है। ये वाली 150, अच्छा ये 150 है, ये 220 है। कितने की भैया मोजरी, 150 से 250 की जोड़ी, ये वाली 200 रुपए की, और पीछे वाली, ये वाली ये 250 रुपए की है, ये 150 रुपए की है। अच्छा इधर पूरी चूड़ी मार्केट है, जैसी चूड़ियाँ एकदम ट्रेडिशनल वाली चूड़ी भी मिलती है। अभी हम इसी रोड पे चश्मे वगैरह, यहाँ मेहंदी भी लग जाती है, झुमका गिरा। कितने का है ये, 120 का अलग अलग है, उस रोड चले ये देखो कितने की है भैया, किसका है, कितने की है, 150 रुपए में कॉटन की कुर्ती ट्रेडिशनल, कितने की भैया ये पूरा, 450 की 4 नग वाली, ये चौड़ी वाली वो वाली दीजिएगा रेड वाली, ये कितने की है, पचास की चार पचास की दो, ये पूरी लेन में आपको चूड़ी चूड़ी फ्रा की चूड़ी, ये वाली 100 की 12 बहुत बढ़िया बिकता है, ये 100 की 12 लाख है सर, ये वाली दीजिए जो ये आगे दोनों रेड वाली, हाँ तो ये कितने की, 100 रुपए की, पूरा सेट है तो आपका। शीशे की भी मिल जाएगी, ये कितने डब्बा भैया शीशे वाली, हाँ भैया 50 की 12, ये जो आपके पीछे व्हाइट और मरून में है, हाँ
200 की, दो हाथ की है ना ये छोटी बड़ी चूड़ी जो रहती है ना वो क्या ले रहे हो? ये 50 के भाई। एक नंबर छोटा है। कमी बता रहा हूँ दीदी, वरना ये सारे शोरूम पर आइटम जो है ना ये सब 100 रुपए के कम कीजिए, 20-30 रुपए कम कीजिए, 50-50 रुपए दीदी। हाँ वो तो आपने बोला 50-50 रुपए है बोलने में तो दीदी 100 रुपए नहीं बोलते ना। अरे 230 ले लीजिए अच्छे से। 10-5 को देखो, 10-5 को नहीं देखना सही दीदी। ले लेना चूड़ी मार्केट से, यहाँ पे पूरी चूड़ियाँ ही चूड़ियाँ मिल जाएंगी। आगे देखते हैं आगे क्या मिलता है। देखो पूरी गली है ना चूड़ी मार्केट, होटल अजमेर इन है और गड़गौर, ये पूरी चूड़ी मार्केट है। तो यहाँ पे आपको लैंडमार्क के लिए अगर बता हो तो होटल अजमेर इन है, पहली मंजिल रेस्टोरेंट ऐसा करके सब है। तो पूरी मार्केट आपको, ये नगर निगम है ना अजमेर शरीफ का, वो बगल से जो रोड आई है दरगाह शरीफ के लिए वही है पूरी, वो बैंगल मार्केट है जहाँ पे आपको ना स्ट्रीट वाली मार्केट भी मिलती है, मेहंदी भी लगाते हैं और जो है कि आपको ना स्ट्रीट फूड भी मिलता है। तो स्ट्रीट शॉपिंग स्ट्रीट फूड है, दाल की पकौड़े प्रति दो ना 30 रुपये के 100 ग्राम, मिर्ची बड़ा कोफ्ता 20 रुपये प्रति नग, नग मतलब 30 होगा मेरे ख्याल से है ना भैया। मिर्ची नग कौन सा है? बनेंगे अभी, टाइम लगेगा। पकौड़े एक दो ने दीजिएगा, एक पत्ता दाल के पकौड़े वाला ऐसे मिलता है। चटनी मत डलवाना, चटनी अलग से दीजिएगा। चटनी कौन खाएगा? ये बंदा चटनी नहीं खाता, ये बंदा भी चटनी नहीं खाता, ये चटनी खाती है। ये देखो पूरी मार्केट ही मार्केट चूड़ी की मिलेगी, 10 चूड़ी मार्केट 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 स्ट्रीट मार्केट फूड मार्केट। ये कैसा है? ये देखो 30 रुपए में दोना भर के देते हैं, चटनी अलग से लेना चाहो अलग से भी दे देंगे। खाए आप जो एक नंबर बोल दिए मम्मा खाए। गर्मा गर्म ये दाल वाले पकौड़े जो यहाँ राजस्थान का ऑथेंटिक वाला होता है ना चीज, वो कहीं जाओ और वहाँ के ऑथेंटिक चीज ना खाओ तो बेकार है। चटनी नहीं तीखा है, सब दांत वांत सब दर्द हो रहा है, कुरकुरा है, ऊपर से क्रंची अंदर से सॉफ्ट। चटनी देखी नहीं है, डीप कर करके खा रहा है। बड़ा खा लिया, अब यहाँ पे देखो कुर्तियाँ बड़ी प्यारी प्यारी लिखती हैं। ये देखो वाओ, कितने की भैया? 150 रुपए में आपको कॉटन की, बढ़िया कॉटन की कुर्ती है यार। देखो डिजाइन इसमें तो डूब जाएंगे यार, तो और गजब बता रही है। देखो क्या डूब जाओगी? डूब जाएंगे मम्मी के साथ, डूब जाएंगे
और पजामा ये हाथ में जो है आपके 150 का, ऐसा कॉटन वाला नहीं है, वो वाला है सिल्क वाला। और यहाँ भी आपको है, यहाँ पे देखो मेहंदी वाले हैं सब भैया लोग। कितने की है ये झुमका? ये 250 का है, टीका वाला और बिगर टीके वाले 200 का। 250 का मांग टीका के साथ है, बिना मांग टीका का 200 का है। नेक पीसेस भी आपको मिल जा रहा है सब। ये कितने का है? ये 180 का है। बैग ये कितने का है भैया? कौन सा वाला? 1100। और ये वाला? ये 100 रुपये। ये भी 100 रुपये की, ये भी 100 रुपये की। और ये 100, ये भी 100 रुपीज़ की। मेकअप ये ब्लाउज कितने का है? 100 रुपये। ये भी 100 रुपये का। बड़ा ले होगा मेरे। कितने का भैया? 120। अभी 100 रुपये बोला आपने, वो छोटा वाला। और ये छोटा कौन सा होता है? ये हाथ में रखने लगा जीजी ने। सानीपुरी झुमके की शॉप है, सामने भी लॉन्ग कुर्तियाँ भी हैं देखो। तो ये मार्केट तो 9 बजे वैसे बंद हो जाती है, 9 बजे के बाद में आने का मतलब नहीं। देखो मीशो प्रोडक्ट यहाँ भी मिल जाएगा। दुपट्टा भी यहाँ पे, कुर्तीज ये थोड़ी लॉन्ग कुर्ती देखो, ये देखो लॉन्ग वाली है इतना। ये कुर्ती कितने का है? 250 रुपये। ये 250 रुपये की, 250। ये पजामा 250 का, चिकन का पजामा 200-150। झुमका बरेली वाला, ये झुमका कितने का है? 50 रुपये का कोई भी सा। वाओ दैट्स गुड, ये बड़का झुमका 50 रुपये। और भाई साहब 50 रुपये का ले लो, 50 रुपये का सही है। देखो 30 रुपये का हम लोग क्या मिलता है ऊपर वाला ना, ये देखो ये भी 30 रुपये का मिलता है। ये छोटा वाला कितने का? 50 का ही है। तो बड़े बड़े झुमके ले, ये देखो बाली में झुमका। अंदर देखो यहाँ पे चप्पलें भी हैं। ये कितने का चप्पल? 250 रुपये का। कोई कोई चीज़ सस्ती लगती है हमको और काफ़ी चीज़ें महंगी समझ में आने लगती है। ये देखो सीक्वेंस वाली, ये कितने का? कम करोगे भैया? अरे अल्लाह, तो रेट भी तो कुछ पता होना चाहिए। ये नेकलेस कितने का? ये ऊपर 180 की, बाकी 150 इसके। देखो डिजाइन सारे वो ऑक्सीडाइज वाले झुमके उमके। हाँ सोना, लव यू बेटा, हैंड वर्क इयर रिंग। क्या है? वो हेयर बैंड है सोना। यहाँ पे जरकन के सेट। ये कितने का भैया? कौन बताएगा? 250 का।
अरे हम टॉय नहीं है, वो टॉय नहीं, वो कीरिंग है, वो कीरिंग है भैया, डांटेंगे जाओ, डांटेंगे भैया, हम जा रहे जाओ। कोई सा भी 50 किस है माउ गली में कब ये कुर्ती कितने की भैया? 150 की कॉटन की। ये क्या दिख रहा है, फ्रॉक 200 के हैं, ये पजामा आपको 150 का है, कॉटन कॉटन का है, बिल्कुल अच्छा कॉटन है। और ये वाली कुर्तियाँ अभी आपको 150 मिल रही हैं, शॉर्ट अच्छे से पजामे पे इस प्लाजो के साथ ना पेयर करके पहन सकते हो। ये चूड़ी मार्केट है ना, वहाँ चूड़ी मार्केट में अजमेर शरीफ में जो नगर निगम है ना वहीं पे है, बगल से रोड आई है वहीं पे है। दुपट्टा तो इकराम अरे मम्मी वापस सही सही आ गया है। पूरी ये मार्केट है ना, 9 बजे तक यहाँ पे खाने का फूड वगैरह ये सब मिल जाता है। कब कैसे है? नहीं हमें, हमको गुस्सा आ गई है, हम बहुत गुस्से में हैं, खेला पीछे करिए। तो कितने का है? 60 रुपये का नेस कैफे। नहीं वो मत दीजिए आप हमें, ये बताइए ये तो फूटा है ज़्यादा, ये तो डिफेक्ट, ये साफ है ना, ऐसा वाइट नहीं है और ऐसा गोल्डन क्या है? ये देखो ये आ गया मेरा गुंडा बच्चा, नहीं है तीनों हमारे यहाँ भी मिल जाती है दादा। क्या कहने आए थे आप? क्या कहने आए थे आप मम्मा से? यहाँ पे ये ना सर्राफा भी मार्केट है, चुनी मार्केट एंड सर्राफा मार्केट दो। क्यों जाए होटल? कल तो जाना ही है ना, जाओ तुमको जाना, हम नहीं जाएंगे, डैडी के साथ चले जाना, मम्मा आएंगी। गुंडा बच्चा मारता है। अभी आप हमको पानी पूरी खिलाने वाले थे, बैंगल दिलाने वाले थे, कुछ दिलाया मम्मा को? झगड़ा करता है हमसे। बेच रहे भैया वड़ा पाव? कहाँ है, बनाना पहन के वड़ा पाव बेच रहे हैं? वो कह रहे हैं कि होटल बिक रहा, होटल ले लो होटल, ऐसे बेचता। देखो यहाँ पे पाव भाजी मिल रही है। भैया चप्पल कैसे है, कौन है? देखो यहाँ पे, देखो 100 ही रुपए का यहाँ पे पानी, देखो ये। हाँ वाह पल्लू भाई साइज का है। तो यहाँ पे देखो श्री अंबिका पानी बताने वाले हैं, रास कचौड़ी। ढोकला कैसे? 100 रुपए प्लेट। हाँ 60 में कितने पीस? 4-5 पीस आई हैं। 60 में 4-5 पीस आई हैं। हम घर पे बनाते हैं तो कितने से तुम लोग खा जाती हो, पैसे देती हो? 20 रुपये में 6 बताते लखनऊ के लोग। ये देखो राज कचौड़ी बना रहे हैं भर के एकदम अच्छा। अभी किसी और को बना रहे हैं कि मेरा बना रहे हैं, पता नहीं किसका बना रहे हैं। 80 रुपये का राज कचौड़ी देंगे भर के, 3 चम्मच लगा दिए, 3 लोग हैं, और थोड़ा भर दीजिए फुल। हम लोग हैं ना लखनऊ वाले तो प्लेट को जब तक पूरा करा ले मज़ा नहीं आएगा। ये 80 रुपये में है, मतलब 2-3 लोग नॉर्मल खा सकते हैं, और 20 के 10 के बतासे भी मिलते हैं भैया ये चूड़ी वाली मार्केट में, 20 के 6 भैया। हम लोग क्या भैया 10 के 4 देते हैं सबसे महंगा, फिर पापड़ी भी खिला देते हैं। आ गिर भी रहा है, अल्लाह गिर रहा है, गिर रहा है। और हम यमी है, ये देखो खा रहे अपना आराम से मस्त। इधर ढोकला भी देते हैं। हाँ उधर से निकल रहे हैं, देखो जब तक अच्छा हम लोग इधर आ जाते हैं साइड में। देखो चलो टेबल रखा देखो, ये दही बड़े 60 रुपये की, राज कचौड़ी 100 का, पापड़ी 4 और 20 की 6 बताते हैं, जिसमें 2-3 तरह का मिला अच्छा है, टेस्टी है। जब भी आप लोग आए यहाँ पे, ये श्री अंबिका पानी बताशे हैं, ये नंबर है इनका, खा सकते हैं, अच्छा लज्जतदार है। और ये यूको, अरे हटो ना, यूको बैंक के जस्ट सामने लगा, हमेशा यहीं लगाते हैं आप, यहाँ पे लगाते हैं ये आइसक्रीम। अरे हम जो आइसक्रीम अभी खा रहे थे ना, बहुत टेस्टी था। ये मेरा बच्चा है ना, बनाना बनाना
कैसे? देखो सब वही मिल रहा है, मोमो यहाँ का नहीं अभी मैंने खाया। अल्लाह मोमो नहीं खाया मैंने, इतना बड़ा बड़ा ढोकले का पीसेस। ये यहाँ गुलाब जामुन दही पापड़ी देसी घी की टिक्की मिलती है। यहाँ पर देखो रेट लिखा 30 रुपये गुलाब जामुन दे रहे। खाने मेहंदी तो यहाँ पे, ये भी चूड़ी मार्केट स्ट्रीट फूड वो मैंने आपको दिखाया, ठीक है। और ये कप कैसे है? ये इधर वाले 120, उधर वाले सब 60 कोई से मिले। जस्ट डबल कर दिया। डबल तो होगा ना मैडम, वजन भी तो वजन का क्वालिटी ये सेम ही है सारे। इधर वाले जो है ना सारे 120 और इधर जस्ट हाफ 50% डिस्काउंट से मतलब 60 रुपये। हम इसी को देख के आए। चलो भैया जा रहे हैं, देख छुट्टी। ये वाइट वाला और ये वाला मुझे बनाओ आप, तक अभी हां मुझे बनना कि उस वाले तेल में जाएगी ना। कुर्ती कितने की है? 200 रुपये। ये देखो ये मीशो वाला, इसमें क्या वाला मेरा करें मूवी बना करके फिर आगे ठेले पे मिलेगा वो ले लो। आंटी सजेस्ट कर रही थी मूवी बना लो बेटा, मूवी बना कर के लव यू बेटा। मम्मा जी मम्मा भेड़ रहा है तो ना यहाँ पे ये हो गया और उसके बाद इधर से लग जाएगा सलाफा मार्केट। और अब देखो अभी कितना 8 बजे बजे कितना बजे बंद हो रही है। बड़ी छोटी सारी पूरा आपको मार्केट ही मार्केट है। ये पुरानी मंडी वाली मार्केट है, चूड़ी मार्केट भी बोलते हैं, पुरानी मंडी मार्केट भी बोलते हैं। छोटी बड़ी हर तरह की सलाफा मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे स्ट्रीट मार्केट देख लिया। सलाफा मार्केट में जाना तो डिज़ाइने अच्छी नहीं है, लेकिन यहाँ के ना वो वाली डिज़ाइन है राजस्थानी डिज़ाइन है जो अपने को नहीं समझ में आया। मतलब लखनऊ का डिज़ाइन हमें ज़्यादा अच्छा समझ में आया। ब्रेसलेट देखा तो ब्रेसलेट भी नहीं समझ में आया, और पैर का मीना देखा तो वो तो डिज़ाइन अजीब ही डिज़ाइन दिख रही थी, वो भी नहीं समझ में आया। मैंने सोचा था कि ब्रेसलेट हाथ की या फिर मीना लेंगे। और आपको स्ट्रॉबेरी चाहिए? स्ट्रॉबेरी नहीं, चॉकलेट ही दीजिए। मैंगो भी है, चॉकलेट ही दिया। जिनको सॉफ्टी पसंद है जाओ बेटा आगे जाओ, सॉफ्टी पसंद है ना तो यहाँ 25 की आपको सॉफ्टी मिल जाएगी। ये होटल रेस्टोरेंट हलाल पतानी मल्टी होटल है। एक और दे दीजिए, 5-5 रुपए के लिए डिस्काउंट मिली है। ये डैडी खा रहे पान, मम्मा का पान फिनिश हो गया। सेल लगी है सेल। हम माँ बेटे एंजॉय करते हुए सॉफ्टी, ये पान एंजॉय करते हुए। मेरा पान खत्म हो गया, आधी आधी पान खाए खत्म। अरे मेरे बेटा खोल दे। दरगाह बाजार में आ चुके हैं। बैग देख, बैग देखो हम लोग यहाँ जब एग्जीबिशन इंदिरा गांधी में लगता है तो ये मिलता है। ये कितने की बैग बताए आप, बड़ी वाली? ये 3.5। लेस करके बता रहे हैं? नहीं लेस बात तो 315। ये 315 का पड़ेगा। और बैगों की डिजाइन हम लोग के यहाँ एग्जीबिशन में मिलता है, और ये वाली बता रहे 150 रुपये की। ये 150 की, ये 150 की वाली। क्या हुआ यहाँ पे? क्या है वो नहीं मिलता बेटा माई। तो फ्रेंड्स आपका क्या नाम है? मेरा गिरीश। गिरीश भाई के दरगाह बाजार में गिरीश भाई की दुकान है जहाँ से ये वाला बैग लिया है। ये है 250 का, 250 का बोले 200 का दे रहा है, और ये 160 का है सिंगल, 160 का डबल 300 में, 300 में दोनों देखो। तो ये दो बैग दो लेने 400 का नहीं, दो लेने पे 400 का, दो लेने पे 400 का, दो लेने पे फ़ायदा इनके यहाँ मेरे को। बैग बैग बहुत बैग बैग है। ये एग्जीबिशन वाले भी हम लोग के यहाँ के बैग मिल रहे हैं, ठीक है। ये देखो बैग ही बैग, बैग ही है। एमपी नहीं, सब लोग होटल आ चुके हैं, सब लोग थक चुके हैं। और मैंने क्या क्या लिया क्योंकि कल हम लोग को निकलना है, तो सबसे पहले ये छोटा सा ऐसा ना जूट वाला हैंडमेड ये बैग है अजमेश्वरी राजस्थान का। तो ये ना ऐसा सिंगल में 160 रुपये का है,
डबल लेने में फ़ायदा, डबल जो है 300 का दे रहे हैं, सिंगल 160 का है, 10 रुपये मैंने में कम कर दी, मुझे डबल वाला रेट ही सिंगल में दे दिए थे। और इसमें आपको कलर मिल जाएगा, ये आपको वाइट और ब्राउन दो शेड मिल रहा है, तो मैंने ब्राउन ले ली, वाइट गंदा होगा तो इसलिए, और बहुत अच्छा मजबूत है, बहुत लाइट वेट है और स्पेशियस है काफ़ी ज़्यादा इसमें ना, ऐसे यहाँ मिलता है ऐसे हम लोग का खाने पीने का, देखो कितना गैप है इसमें। ऑनलाइन मीशो पे देखा तो भी मुझे ना काफ़ी महंगा दिखा था, मतलब 250 रुपये का था, उस हिसाब से महंगा हुआ। और आगे भी इतना स्पेशियस है, जैसे टीचर है आप ऑफिस जाते हैं तो छोटा मोटा सामान, तो ये अंदर भी एक सीक्रेट पॉकेट है इसके अंदर, तो ये है ना जैसे स्लिंग बैग लेते लेते ना थक गए, तो हमने कहा कि ये वाला लेने, तो ये लिया मैंने, बहुत अच्छा है। जब भी आप अजमेर शरीफ आएँ बैग वैग की शॉपिंग जरूर करें। इस समय सूट वूट कुछ नहीं लिया है, और उसके बाद में ये एक बड़ा बैग लिया है, एक वो जो एम्ब्रॉयडरी वाला था ना, वो उसकी क्वालिटी उसकी बाहर से तो अच्छा था, लेकिन उसका जो फैब्रिक लगा था ऐसे चैन वाला बहुत ज़्यादा लो था, वो मतलब ना फट जाएगा, तो वो नहीं लिया। उसकी उसी रेंज ये 250 का था, 200 का दिया उन्होंने, अगर आप दो लेंगे ना तो आपको 400 में दो मिल जाएगा ना, 400 का बोले थे दो, तो मैंने डबल वाले में ही सिंगल का रेट ले लिया, 200 का ही मैंने लिया, मैंने कहा चेंज देंगे भैया तो, और यहाँ पे थोड़ा मौका खाने पीने का ये रख देना चाहिए था नीचे फ्रिज में, और नहीं तो क्या डबल, और यहाँ पे कुछ खाने पीने का क्या है, और इसमें स्पेस देखो भाई, देख लो इसमें मेरा बच्चा भी आ जाएगा, अच्छा इतना स्पेस, इसमें भी एक सीक्रेट चेयर अच्छी है, इतना भैया भैया कर रहे हैं कि हम भैया कहना छोड़ देंगे, इतना स्मूथ ही चैन है ना, क्वालिटी नंबर एक की और इसमें भी काफी प्रिंट था, इसमें इस तरह का भी इतना बड़ा मिल रहा था, तो आप ले सकते हैं। और ये देखो आगे इतना अच्छा चेन है, और देखो क्वालिटी अंदर से ये फैब्रिक की ना काफ़ी अच्छी, जो ये अस्तर लगा हुआ लाइनिंग बहुत अच्छी है, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना, नाइस। और उसके साथ मैंने क्या किया, नाइस मम्मी के लिए कुछ नहीं किया, तो अपने लोग के लिए क्या, ये सूट के लिए, मम्मी को बैग का काम नहीं, चप्पल का काम नहीं, क्योंकि आती जाती ही नहीं है कहीं, और सूट उनके पास माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारा भी स्टिच करने को रखा हुआ है, इंशाल्लाह फिर आएंगे, फिर ले जाएंगे उस भी क्या, ख्वाजा बाबा हमें फिर बुलाएंगे जल्दी इंशाल्लाह, आमीन, सब लोग कमेंट में भी आमीन, फिर हम फिर ले जाएंगे तब सूट, क्योंकि अभी मैंने सूट वूट देखा अच्छे से, स्लीपर जो हम लोग की खो गई थी तो वो मैंने ले लिया दो दो, ये देखो दो दो ले लिया, 200 की, 250 का बोला था 200, बार्गेनिंग जम के करना, मतलब ये नहीं कि हम लोग सिटी के बाहर हैं, दूसरे सिटी में है तो बार्गेनिंग नहीं कर, बार्गेनिंग वही अपने लोकल वाला ही करने वाला होता है हर जगह, ये कहते थे 700 में, तो इधर को पिरामिड बन गया, ये अगर हम लिए हैं दरगाह बाजार से, और ये देखो बैठे कितने प्यारे प्यारे ना, 50-50 रुपये में, ये आफ्ताब को काफ़ी पसंद आया था, ये मुझे काफ़ी पसंद आया था, तो मैंने 4 पैंडल लिए हैं ना, पहनो ना पहनो ले, और ये ऊपर से ना ऐसे लेमिनेट है, तो ये कुछ फंसे वसे का नहीं, लेकिन डिज़ाइन मिली, ये भी 50 का, ये तो कुंदन के 50 के 4, इसमें पिछली बार ले गए थे तो एक फूट गया था, तो 3 बचे थे उसमें, तो मैंने ले लिया, अभी थोड़ा शादी वादी होगी ना, जाना आना पड़ेगा तो पहन चूड़ी में, और वाह ये वो था ना जो वो बना हुआ था कोलोजियम, कोलोजियम कोलोजियम, हां वो बना दे, वेरी नाइस, बहुत अच्छा, पिछली बार आए थे तब ये सब ले गए थे, तो ये बड़ी हो गई, डेली वाले पहने, ये पहने, ये पहने, ये पहन लो, कौन सी पहन लो बता, ये पहन ले, जो कल सूट पहले मैच करेगा, ये वाली मैच करेगी, ये पहन ले, ये होटल वाले सोचेंगे वो खाना ही नहीं खाते, और कसम से बताया पिछली बार भी आए थे तो 24 घंटे में एक ही बार खाना खाते थे, और माशाल्लाह इतना हैवी हो जाता है ना, रात को खाने का ही दिल नहीं करता, कुछ भी हल्का फुल्का खा लो बस, एफिल टावर माशाल्लाह, और यहाँ की सबसे फेमस
प्याज कचौड़ी जो हम लोग अपने यहाँ लखनऊ में खाते हैं ना, उसमें एग्जीबिशन में चटनी बहुत बेहतरीन थी। यहाँ पे हम लोगों ने ले लिया ये प्याज कचौड़ी, कच्ची प्याज कचौड़ी। ये इतना भी ये है हमने, फिर मैं ज्यादा कुछ शॉपिंग वॉपिंग लेके आराम के लिए ये ले लिया आज, और इनका ऑल टाइम फेवरेट फ्लेक बस। और हमको और कुछ लिए, एक और क्या लिया था, माइंड क्राफ्ट वाला लिया था भाई। तो अलहमदुल्ला ये है हमारी शॉपिंग, और ये ज्वेलर्स का सराफा मार्केट से नंबर ली। यहाँ भाई डेली यूज में राजस्थानी जो ट्रेडिशनल पायल होती है वो सबसे हल्की पायल 7000 की आती है, और इतनी वजनदार कि एक बार खरीद लो जिंदगी भर पहनो, वो ना टूटेगी ही नहीं। तो हम उसके आगे मेरी ये वहाँ की जो लखनऊ वाली पायल पहना है ना, ये तो उसके आगे मतलब ये पोता हो गया, वो बाप हो गया इस टाइप का। वो बात हो गई क्योंकि ना डिज़ाइन भी बहुत अच्छे थे भाई सराफा मार्केट की, और लक्ष्मी अब भूषण भंडार करते हैं LAB, क्या खाली कार्ड मांगा तो खाली बैग देती हैं। और नीना बिल्कुल अच्छी डिज़ाइन नहीं लगी, यहाँ की ट्रेडिशनल वाली बड़ी बड़ी थी जो बड़ी फैंस हैं। तो अभी जो है कि इनका झोला ले लिए, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम आएंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर जो यहाँ की सबसे हल्की पायल है वही ले जाएंगे। तो ये था मेरा आज का शॉपिंग। अभी कल हम लोग को निकलना है, यानी मंडे 1 सितंबर को हम लोग की ट्रेन है। तो हम लोग निकलने से पहले जब जाएंगे ज्यारत करने, तब कल वो नेक्स्ट ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा, यानी तो आपको जरूर दिखाएंगे कल लास्ट। और एक चीज़ यहाँ पे, जब ये बच्चों की टॉय लेने जाए, दरगाह बाजार की बात करें, MRP से ना बहुत लोग ना 50-50 रुपये बढ़ा के दे रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं कि एक ही शॉप पे देखना, 2-3 शॉप पे देखना, और बार्गेनिंग जरूर करना, बिना बार्गेनिंग के कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो ये था, आई होप वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जिस होटल में हम लोग रुके हैं ना, यहाँ की सर्विस बहुत अच्छी है, स्टाफ बहुत अच्छे हैं, और पूरा रिव्यू मैं दूंगी अपने पूरे अजमेर शरीफ के ट्रिप का, तो वो आएगा लास्ट में। आई वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और आप लोग अगर अजमेर शरीफ से हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो यहाँ पे और क्या क्या चीज़ फेमस है वो भी बताइए। तो अगर आप लोग अजमेर शरीफ से राजस्थान नहीं गया तो जरूर कमेंट करके बताइएगा यहाँ पे और क्या चीज़ फेमस है जगह के बारे में। तो इंशाल्लाह ज़रूर, या फिर कोई दरगाह यहाँ पे आसपास में, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जब हम आएंगे ख्वाजा को हमको बुलाएंगे ज़्यारत के लिए। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग अजमेर शरीफ से राजस्थान से कहीं से भी ब्लॉग देख रहे हैं, अगर आप लोग कोई चीज़ और ज़्यादा पसंद आ रही तो फेमस चीज़ है, मार्केट है, दरगाह शरीफ है, तो ज़रूर कमेंट करके बताना। नेक्स्ट टाइम क्या बना था, तमन्ना की याद में ये पता नहीं दरगाह शरीफ में एक दिन करा तमन्ना, और कोई बच्ची आके बैठी तो उसका नाम था तमन्ना। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, कवर करूँगी और ज़्यारत भी कर लेंगे। और आई पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन भी जरूर कर देना। दरगाह बाजार बहुत अच्छी है, ढाई झोपड़ा वाले रोड पे जब आप जाओगे ना तो वहाँ पे भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं, वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा। कि वहाँ पे जो ढाई झोपड़े वाली रोड है ना, जो उधर की मार्केट है ना, वो इस ब्लॉग के बाद में आएगा, तो वो वाले भी ज़रूर देखना। और जो है कि बस अल्लाह हाफिज़। अब चाय ऑर्डर कर दिया होटल में, जहाँ होटल में हम लोग रुके ना, बहुत अच्छा होटल है, स्टाफ बहुत अच्छा है, सर्विस बहुत अच्छी है। जितनी बार आप कोई चीज़ के लिए बोले ऐसे नहीं बोलनी, वो सब सही तरह से बिना कोई मुंह बनाए थे, स्माइल वाले सारे स्टाफ है। तो बहुत अच्छा होटल है, दरगाह शरीफ के बिल्कुल नज़दीक 20 मीटर की दूरी पे है, और बोलिए एक नंबर का, ज़रूर आइएगा ज़रूर। अगर आप लोग को जानना कौन सा होटल है तो कॉमेंट में पूछ लेना, ठीक है। चलो अल्लाह हाफिज़।